आज हम ई शिक्षकोश पोर्टल पर सब्जेक्ट टैग करने के प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले आप ऑफिशियल्स यूजर टाइप को चूज करके आप लॉगिन हो जाएं। मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड खुल के आएगा उसमें मास्टर आइकन को चूज करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब उसमें मैनेज सब्जेक्ट टैगिंग पे हम जाएंगे और फिर ऐड सब्जेक्ट टैगिंग पे क्लिक करेंगे। क्लास सिलेक्ट करेंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपकी सामने वो पूरा डिटेल आ जाएगा जो आप ऐड सब्जेक्ट टैगिंग में डाले हैं। फिर हम लोग लॉग आउट हो जाएंगे।